दोस्तों, यूपी के वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगम कुष्ठा अवस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए जो है बड़ी खुशखबरी की बात है। जैसा कि उनका जो है पेंशन जारी करने का डेट जो है कंफर्म हो चुका है। कब तक जो है उनका पेंशन का पैसा अप्रैल मई जून का आने वाला है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हिंदुस्तान के थ्रू जो है न्यूज निकाला गया है, यहाँ पर आप देखेंगे हिंदुस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है न्यूज निकाला गया है। यहाँ पर हेडलाइन में बताया जा रहा है कि वृद्धा महिला पेंशन की आ गई डेट, सीएम योगी ने दिए भेजने के निर्देश, जाने कब आएगी पेंशन। जैसा कि आप थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर संडे 9 जून का जो है यहाँ पर अपडेट है और यहाँ पर लिख के आता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही की वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा कुष्ठा अवस्था पेंशन की राशि 30 जून तक पात्रों के बैंक खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हर पात्र व्यक्ति को इन पेंशन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए अभियान चलाकर नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए। जैसा कि जितने भी नए पेंशनर्स हैं और उनका जो है अभी तक पेंशन नहीं बन पाया है, तो उसके लिए जो है सरकार जो है एक अभियान चलाएगी। उस अभियान के थ्रू जो है सभी का पेंशन भी बन जाएगा और सभी का जो है पेंशन का पैसा भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है, शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 55 लाख वृद्धजनों और 33 लाख निराश्रित महिलाओं और 10 लाख दिव्यांगजनों को हर माह 1,000 की धनराशि पेंशन के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। इसी प्रकार 11,551 कुष्ठ पीड़ितों को मासिक 3,000 की पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे लोगों का नियमानुसार वार्षिक सत्यापन कराते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही की किस्त 30 जून तक उपलब्ध करा दी जाए। जैसा कि 30 जून तक जो है सभी का पेंशन का पैसा सभी के खाते में जो है अब ट्रांसफर होने वाला है। दोस्तों, यही न्यूज जो है हिंदुस्तान के थ्रू जो है निकाला गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाए, क्योंकि अभी जो है बहुत पेंशन लाभार्थी जो है वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर जो है अप्रैल मई जून का पेंशन का पैसा आखिर में कब तक जो है आएगा। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है इस डेट को जारी कर दिया गया है, अब जो है सभी का पेंशन का पैसा 30 जून तक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आखिर में आपका पेंशन का पैसा कब तक आपके खाते में ट्रांसफर होने वाला है। आगे भी वीडियो के माध्यम से अपडेट पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।